आज क्लास 12 का असाइनमेंट ज्ञान का हम शुरू करेंगे पैदल रसायन का पार्ट 3। सर पहले है हमारी ओम का नियम। ओम का नियम कहता है किसी विद्युत अपघट में बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब किसी विद्युत अपघट में जो धारा बह रही है वो चालक के सिरों को जो विभवांतर लगा जाता है उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। धारा V प्रश्न क्या होता है I, और V बराबर क्या होता है I R। यहाँ पर V क्या है विभवांतर, I धारा और R क्या आपका प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ आती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है, हमारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में आ जाती है कभी-कभी 2 नंबर में। विशिष्ट चालकता को हम कैसे दर्शाते हैं, क्या होती है विशिष्ट चालकता। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में, कोई घन है जिसका आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 1 × 1 कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में स्थित विद्युत अपघट विलयन को चालकता ही क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। मतलब 1 सेंटीमीटर इसको हम कैसे दर्शाते हैं, विशिष्ट चालकता का होता है सेल स्थिरांक बटे आर, आर क्या होता है हमारा प्रतिरोध इंटू चालकता। ठीक है, अब आती है हमारी मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2 नंबर में आ जाती है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या है। ठीक है, मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से दर्शाते हैं। अब बात आती है मोलर चालकता होती क्या है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा, ये बात अंडरलाइन करने की जरूरत है इसमें, 1 मोल द्वारा प्राप्त आयनों की चालकता को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, ऐसे किससे दर्शाते हैं, लैम्डा एम से दर्शाते हैं, और लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है के गुणा एक हर बटे मोलर का, ये क्या होता है हमारा विशिष्ट चालकता होती है। ठीक है, अब आते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में पूछी जाती है, इसे लैम्डा इक्वेशन से दर्शाते हैं, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम प्रतिदान द्वारा। देखो इन दोनों डेफिनेशन से ये अंतर है, जब मोलर चालकता आती है तो 1 मोल द्वारा होता है। ठीक है, जब तुल्यांकी चालकता आती है तो 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है। ठीक है, तो 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा प्राप्त आयनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मोलर चालकता क्या होती है, कोई विलयन है जिसका आयतन कैसा है निश्चित है, तो उस विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा प्राप्त आयनों की संख्या क्या कहते हैं, मोलर चालकता, और 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा प्राप्त आयनों की संख्या क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा इक्वल दर्शाते हैं, लैम्डा इक्वल आप क्या के गुणा एक हर बटे नॉर्मलता, इसमें मोलर चालकता थी तो मोलरता भी, इसमें तुल्यांक चालकता थी तो हमारी नॉर्मलता भी। सर ये अंडरलाइन करने की जरूरत है, अगर डी डेफिनेशन आपको याद है तो बस प्रॉब्लम बन जाएंगे, इसमें 1 मोल है उसमें 1 ग्राम तुल्यांक है। धन्यवाद।